एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवो एजुकेशन, जहां मैं लेकर आती हूं डेली आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1857 के जो रिवॉल्ट है उसके बारे में ये क्या था और इसकी शुरुआत होने के क्या रीजंस रहे। आज मैं आपको बताऊंगी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 किस किस जगह तक चला, कहाँ कहाँ ये फैला और क्यों ये अनसक्सेसफुल रहा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि थे मंगल पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट ये रिवॉल्ट किया था, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को आसानी से इस दौरान कंट्रोल कर लिया और साथ ही उसकी जो बटालियन 34 NI को खत्म कर दिया। 24 अप्रैल को 3LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 80 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ऐसी अफवाहें थी कि उसमें गाय और सुअर की जो चर्बी है उसका यूज होता है। तो ब्रिटिशर्स के रूल्स ना मानने की वजह से फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन 80 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल करके उनको 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। रिवॉल्ट के दौरान सैनिकों ने अपने ही ऑफिसर्स में गोलियां चला दी थी और मंगल पांडे ने हेरसे को गोली मारी थी और अफसर बाग की हत्या भी कर दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। 9 मई को मेरठ में भी 80 से ज्यादा सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया था, उसी सेम अफवाह के वजह से, जिनको 9 साल जेल की सजा भी सुना दी गई। इसके बाद मेरठ छावनी में रिवॉल्ट तेजी से फैल गया। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और फिर जेल को भी तोड़ दिया। 10 मई को वे दिल्ली के आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया। अब इन सैनिकों ने क्या करा, मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित उस दौरान किया। देखते ही देखते ये रिवॉल्ट लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी बहुत तेजी के साथ फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले तो दिल्ली पर अधिकार किया। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से अपना अधिकार जमाया, लेकिन इस बीच जॉन निकोलसन भी मारा गए और लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से बहादुर शाह द्वितीय के 2 बेटे मिर्ज मुगल और मिर्ज ख्वाजा सुल्तान और उनके एक पोते मिर्जा अबू बकर को गोली भी मरवा दी। लखनऊ में रिवॉल्ट की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। यहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। 1857 का जो ये रिवॉल्ट रहा, एक साल से ज़्यादा लंबे समय तक चला और फाइनली से 1858 के बीच में ख़त्म कर दिया गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद यानी कि 8 जुलाई 1858 को आखिरकार कैनिंग ने यह घोषणा की कि विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया है। अब रिवॉल्ट और जो रिवॉल्ट है 1857 की कहानी यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो जाती है। इतनी तेजी से शुरू होने वाला और बहुत तेजी से खेलने बढ़ने वाले इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 आखिर क्यों ये सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल रहा, अब जानेंगे उसके बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक ऐसा रिवॉल्ट रहा जिसमें मास पार्टिसिपेशन था, लेकिन इसको पूरी तरह से मास पार्टिसिपेशन हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए ही लड़ाई लड़ रहा था। कोई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से परेशान था, तो फिर कोई टैक्स कलेक्शन से परेशान था। सबके बेसिकली यहाँ पे अपने अपने पर्सनल रीजंस रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करने के। और एक और रीज़न यहाँ पर यह भी था कि जो भी बड़ा हिस्सा है भारत का, उसका जो पार्टिसिपेशन यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। जैसे कि बात कर लीजिए साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया की तरफ से यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। इसके अलावा गांधी के बाद से होने वाले जितने भी मूवमेंट थे उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एक सेंट्रल लीडरशिप भारत को मिली, जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि सेंट्रल लीडर कोई भी इस रिवॉल्ट में नहीं था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही जो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जो क्रांतिकारी थे वो बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस रहे।
इसके अलावा मिडिल क्लास, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास उस दौरान हुआ करती थी, उन्होंने भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कोई भी पार्टिसिपेशन अपना नहीं दिखाया। तो बेसिकली ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इतना तेजी से बढ़ता हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अनसक्सेसफुल होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो जरूर उसको पहले देखिए फिर इस वीडियो पे आप आइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।